मैं हूं राव अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज़। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नैब रावलपिंडी का एक और बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। फरियाल तालपुर की रिहाइश का सब जेल करार चेयरमैन नैब ने गुज़िश्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी किए थे। फरियाल तालपुर को कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी पर पीपी रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल। मौला बख्श चांडियो कहते हैं नैब हुकूमत का आलायकार बना हुआ है, अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इंतकाम में डूबी हुकूमत अपने लिए गढ़े खोद रही है। कौमी असम्बली में शोर शराबा हंगामा आराई की नई तारीख रकम। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान 45 मिनट तक जुमलेबाजी। अपोजिशन लीडर बात करने के लिए इकट्ठे तो हुकूमती अराकीन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। मजहबी जमातों के अराकीन की भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की जिद। डिप्टी स्पीकर के बार बार चुप करवाने के बावजूद अराकीन बाज न आए। यह हुकूमत तारीखी धांधली ज़दा है। हुकूमत में पहले दो मिनी बजट पेश करके अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। अगर हमें बोलने की इजाज़त ना दी गई तो वज़ीर आज़म को भी बोलने नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन अरकान बजट की कापी फाड़ते हुए वॉकआउट कर गए। इजलास पीर तक मुलतवी। पंजाब का 2,352 करोड़ का बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 350 अरब मुख्तिस, गैर तरक्याती मकासद के लिए 1,717 अरब तजवीज़। वसूलियों का हदफ 1,990 अरब मुकर्रर। तालीम के लिए 42 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मजमू बजट का 35%। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www